मुसाफिर खाना नहर से राजकीय आईटीआई तक पीडब्ल्यूडी द्वारा बनी सड़क खस्ताहाल। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी से है, जहां मुसाफिर खाना नहर से राजकीय आईटीआई तक बनी सड़क पीडब्ल्यूडी के द्वारा बनाई गई है, जो कि कई वर्षों से उसकी मरम्मत ना होने से सड़क की हाल बेहाल है। यह सड़क लगभग 300 मीटर सड़क की मरम्मत ना होने से लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यह सड़क काफ़ी क्षतिग्रस्त है। इस सड़क की ऊंचाई लगभग 1 मीटर हो जाए तब जाकर लोगों को राहत मिल पाएगी। अमेठी से जिला संवाददाता समर बहादुर सिंह की रिपोर्ट। दो फुट 3 फुट जो गहरी यानी कि पानी भर जाता। ये 8 सीसी पर से वहाँ तक का कुछ हो जाए तो सही हो जाए, इतना इतना पानी ही जा सकने की। अरे वही वही तो आप वही तो शायद पूछ। आओ 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 आवा आवा। क्या नाम है आपका? साधु राम गुप्ता, ग्राम सभा धरौली। ये आपके यहाँ रोड की समस्या है, जल भराव हो जाता है। हाँ साहब, क्या कहना चाहेंगे इसे, आप लोगों को क्या दिक्कत है? दिक्कत हम लोगों को इतना है कि यहाँ तो इतनी दिक्कत है कि पानी कहीं निकलता नहीं बाहर को, बाहर से पानी आ जाता है और इतना गहरा है, ये है कम से कम 1 मीटर 1.5 मीटर अगर ऊँच हो सड़क के तो आने जाने की समस्याएँ हल हो जाए। करीब 200-250 मीटर तक की लंबाई इसकी लगभग, मतलब इतना गड़ीला है ये। ये रोड कहाँ से कहाँ के जाता है? ये लोग ये आईटी मॉडल से ले करके वैसे तो और आगे गया है नंदौर तक का, लेकिन यहाँ तक ज़्यादा समस्या इसकी ख़राब है, नए कोर्ट से लेकर धरौली तक मुसाफिर खाना से लेकर के। इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं किया है? इसकी शिकायत साहब कई बार भी किए थे तो नए कोर्ट में तो बना दिए हैं और सीसी ढलवा दिए हैं, करीब 100-150 मीटर तक जौन बनी हुआ, उसके बाद कोई अभी तक सुनाई नहीं पड़ा। किससे बनी है ये, ग्राम सभा से बनी है या नहीं? ग्राम सभा से नहीं, पीडब्ल्यूडी से बनी थी ये साहब पहले, तो तब से इसकी बस आते हैं और यार बार छर्री फर्री फेंक देते हैं और इसमें कोई हम लोगों को कोई लाभ होता नहीं है।